आपके दांतों में हो रहा है दर्द, क्या ठंडा खाते वक्त, गर्म खाते वक्त, मीठा खाते वक्त आपके दांत का दर्द बढ़ जाता है? अगर इस तरह से हो रही है परेशानी तो आपके दांतों की समस्या हो गई है शुरू। और इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा जिससे आपके दांतों का दर्द परमानेंट खत्म हो जाएगा, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज जिस ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उस ट्रीटमेंट का नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये क्या ट्रीटमेंट है और इससे क्या फायदा होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माई वीजे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। देखिए, ट्रीटमेंट जानने के पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा टूथ का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। टूथ का स्ट्रक्चर आप जान लेंगे तो ट्रीटमेंट जानने में आपको ज्यादा बेहतर आसानी होगी। तो देखिए, जो दांत का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है वो व्हाइट कलर में आपको जो दिख रही है उसको इनेमल कहा जाता है और ये बहुत स्ट्रांगेस्ट लेयर होती है। उसके अंदर आप आते हैं तो येलो कलर की आप लेयर देखेंगे, ये लेयर जो होती है सेकेंड लेयर होती है और ये सेंसिटिव लेयर होती है, इसको हम डेंटिंग कहते हैं। थर्ड नंबर में और अंदर आने पे आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा और नर्व्स मिलेगी, ये जो नसें जो होती हैं दिमाग से जुड़ी होती है, इस लेयर को पल्प कैविटी कहते हैं और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अब होता क्या है, जब हमारे दांतों में सड़न लगती है तो शुरुआत में ये बाहर की छोर में जब लगती है, आउटर लेयर में लगती है, तो ऐसे वक्त में किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की लेयर जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये अंदर तक नसों को पता चलने नहीं देती है कि यहां पे कुछ खराबी है। ऐसे वक्त में अगर पेशेंट अवेयर हो और डेंटिस्ट के पास चले जाए तो सिर्फ ये सड़न को हटा दिया जाता है और उस जगह को पैक कर दिया जाता है फिलिंग से। ये स्टेज में अगर पेशेंट काम करा लेता है तो आगे बात नहीं बढ़ती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा खास बात है कि जब तक तकलीफ हद से ज्यादा ना बढ़ जाए तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और ऐसी स्थिति में लाने के लिए सड़न को धीरे 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 अंदर जाते जाती है, जब ज्यादा अंदर चले जाती है तो हमारे को दर्द महसूस हो जाता है और उस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब इलाज करके देख लिया दांत में लेकिन अब भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास आप जाते हो। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ये चीज डॉक्टर एक्सरे लेकर देखता है कि जो सड़न है वो किस लेवल में पहुंची है और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर सड़न सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में पहुंच चुकी है या थर्ड लेयर तक पहुंच चुकी है तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट होता है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि दर्द खत्म करने के दो रास्ते हैं, या तो उस दांत को आप उखाड़ के फेंक दो या उस दांत को बचा लो। पहले 15 साल पहले ये ट्रीटमेंट नहीं था तो ज्यादातर दांत निकाल दिया जाता था, पर वो गलत ट्रीटमेंट हो जाता है क्योंकि आपके दांत आपकी आर्मी है जो आपको खाने में मदद कर रहे हैं लाइफ टाइम। अगर आप उनको मर्डर कर देंगे, आप उनको निकलवा देंगे, एक हिसाब से उनका मर्डर कर दिया आपने, तो आप खुद चबाने में आपको दिक्कत होगी, आपके दांत अब नहीं है तो खाना आप कैसे चबाएंगे। तो ज्यादा बेहतर इलाज ये होता है कि अगर आपका दांत बचने की स्थिति में है और रूट कैनाल के जरिए हम बचा सकते हैं तो हमको रूट कैनाल कराना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि रूट कैनाल में ऐसा क्या करते हैं जिससे आपके दांतों का दर्द खत्म होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि दांतों में दर्द तब होता है जब सेकेंड लेयर तक सड़न पहुंच जाती है। सेकेंड लेयर सेंसिटिव होती है तो यहां पे सेंसेशन शुरू हो जाता है, और अगर सड़न थर्ड लेयर तक पहुंच गई जहां पे पल्प है, जहां पे नसें हैं, वहां पे फिर पेशेंट को बहुत टेरिबल पेन होता है। ऐसे स्थिति में रूट कैनाल में क्या किया जाता है, रूट कैनाल में दांतों के अंदर जाया जाता है और ये पूरी सड़न को निकाला जाता है। और अगर सड़न नीचे तक चले गई है, नसों तक चले गई है, तो पूरा अंदर तक नस तक जाके इस गंदी नस को निकाल देते हैं, क्योंकि वो नस अब खराब हो चुकी है, इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो रूट कैनाल में बेसिकली हम अंदर जाते हैं दांत के और जो नर्व्स है, जो ब्लड वेसल्स है, वो सबको हटा देते हैं और वो जगह को साफ कर देते हैं, मतलब दांतों की जड़ों को पूरी साफ कर दिया जाता है। रूट कैनाल मतलब रूट मतलब दांत की जड़, दांत की जड़ को पूरी साफ कर दिया जाता है। और दांत को साफ करने के बाद इसमें आर्टिफिशियल नर्व्स डाली जाती है,
मतलब जो गंदी नर्व्स हैं उसको रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल नर्व्स से, और इसके बाद दांत को पैक कर दिया जाता है फिलिंग करके। ये ट्रीटमेंट अब खत्म हो गया है, रूट कैनाल इस ट्रीटमेंट को कहते हैं, इसी चीज को हम रूट कैनाल कहते हैं। लेकिन बात अभी खत्म नहीं है दोस्तों, हमको रूट कैनाल को हम लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग के लिए रखना है, मतलब हम जो इलाज कराए हैं वो बहुत लंबे सालों तक चले, उसके लिए हमको दांत के ऊपर कैप डालना पड़ता है। कैप इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि हम कुछ भी चीज चबाते हैं तो दांत में उतनी क्षमता रहे कि वो चीज को चबा पाए, दांत को कुछ फ्रैक्चर ना हो, कुछ प्रॉब्लम मत हो। तो कैप एक हिसाब से शील्ड का काम करती है जो दांत को फ्रैक्चर और टूटने से बचाती है। क्योंकि होता क्या है, रूट कैनाल होने के बाद दांत ब्रिटल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर हम कैप नहीं लगाए हैं तो दांत हो सकता है कि टूट जाए, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब दबाव दबाव की क्षमता, दबाव सहने की क्षमता जो दांत की होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हम शील्ड कैप लगा लेते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है और फिर हम कुछ भी चीज खा सकते हैं, हमारे दांतों को कोई नुकसान नहीं होता। तो आप दांतों में कैप लगवा लेते हैं तो आपके दांतों का लाइफ बढ़ जाता है और एक आप हेल्दी डेंटल लाइफ का मजा लेते हैं। आप सब चीज खा सकते हैं, पी सकते हैं, ना आपके दांतों में आप ठंडा लगेगा, ना गर्म लगेगा, ना दर्द होगा। तो ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है जो आपके दांतों को बचा लेता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपके आंसर देने में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।